इसलिए यह आवश्यक है कि हमारी विधायिकी का कानून बनाने में सक्षम और दक्ष हो। विधायकों की क्षमता और दक्षता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए विधानमंडलों को विधायकों की कैपेसिटी बिल्डिंग की बढ़ाने की कार्य योजना भी बनानी चाहिए। परंतु अभी देखने में आ रहा है कि कानून बनाते समय जितनी व्यापक चर्चा और संवाद विधानमंडलों में होनी चाहिए, उतनी भागीदारी भी विधानमंडलों में नहीं हो रही। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जनप्रतिनिधि सीधे तौर पर जनता से जुड़े होते हैं। उनके अभाव, कठिनाइयाँ, समस्याओं को निकट से समझते हैं, इसलिए विधि निर्माण में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हमें प्रयास करना होगा कि हम इन विधानमंडलों के अंदर कानून बनाते समय सक्रिय भागीदारी बढ़ाएं, चर्चा और संवाद हो, और सदन के अंदर व्यवधान और शोरगुल नहीं हो। जनता के हित में कानून बनाने के लिए ये संस्था काम करे। इसलिए आज फिर से विधानमंडलों के अंदर अनुशासन, शालीनता और गरिमा बनाए रखने के लिए व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है। समय समय पर विभिन्न मंचों पर इस पर चर्चा हुई है, संवाद हुआ है। वर्ष 1997 में और 2001 में अलग अलग सम्मेलनों के माध्यम से देश के पीठासीन अधिकारियों ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने, राज्य के मुख्यमंत्रियों ने, संसदीय कार्य मंत्रियों ने, प्रतिपक्ष के नेताओं ने, सभी दलों के नेताओं ने इस पर व्यापक चर्चा की, संवाद किया। और व्यापक चर्चा संवाद करने के बाद हमारे वरिष्ठ और अनुभवी राजनेताओं ने कुछ संकल्प और प्रस्ताव भी पारित किए। अब आवे समय आ गया है कि उन संकल्पों, उन प्रस्तावों को हम विधानमंडलों के अंदर अमल करें और हमारी कार्य योजना का हिस्सा बनाएं। लोकतंत्र शासन प्रणाली में जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सदन में अपने अनुशासित विहार और शालीन आचरण से सदन की गरिमा को बढ़ाएं। निजी जीवन में भी उनका कार्य और उनका विहार जनसाधारण के लिए अनुकरणीय होना चाहिए, जिससे सदन की गरिमा और बढ़ सके। सदस्यों के अपने विहार से शालीनता, परिपक्वता और सदस्यता लाने के लिए ऐसे मापदंड स्थापित करने चाहिए जिससे हमारा संसदीय लोकतंत्र गौरवान्वित हो। आजकल सदन के अंदर जिस तरीके से व्यवधान हो रहा है, जिस तरीके से बाधा पहुंचाई जा रही है, योजनाबद्ध तरीके से संसद के और विधानमंडलों के सत्र नहीं चलने दे रहे, ये हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिए एक अच्छा प्रमाण नहीं है। हमने संसदीय लोकतंत्र अपनाते समय इन सदनों को मंदिर माना था और हमने विचार विमर्श किया था कि इन सदनों के माध्यम से हम देश और प्रदेश की जनता का कल्याण करेंगे। लेकिन आज सदन में जिस तरीके का शोरगुल व्यवधान हो रहा है, ये हमारी संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। हमें इसके लिए व्यापक चर्चा करना चाहिए, संवाद करना चाहिए और उच्च मापदंड सदनों के लिए निर्धारित करना चाहिए। मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि सदन में विरोध नहीं हो। भारत के लोकतंत्र के अंदर विरोध, असहमति, तर्क, वाद विवाद और मत मतांतर हमारे लोकतंत्र की विशेषता रही है। आज़ादी के बाद से ही हमारे सदनों के अंदर सहमति, असहमति, मत मतांतर, वाद विवाद, संवाद, ये हमारे लोकतंत्र की विशेषता हमेशा रही है।
लेकिन ये सदन वाद विवाद के लिए, संवाद के लिए, चर्चा के लिए, व्यवधान के लिए नहीं है, गतिरोध के लिए नहीं है, बेल में आके नारेबाजी के लिए नहीं है, तख्तियों के लिए नहीं है। ये सदन हमारी संसदीय परंपराओं के अनुरूप, जनता की भावनाओं के अनुरूप कानून बनाना, उनके विषयों पे चर्चा करने के लिए है। और इसीलिए आज फिर से एक आवश्यकता हो गई कि हम किस तरीके से हमारे लोकतंत्र को सशक्त करें, मजबूत करें। जनता का विश्वास इस संसदीय प्रणाली के अंदर हम कैसे कायम कर सकते हैं, इसके लिए विचार विमर्श की आवश्यकता है। क्योंकि धीरे धीरे हमारे विधानमंडलों के इन आचरणों के कारण, इन व्यवहारों के कारण हमारी संसदीय प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। देश की जनता चाहती है कि संसद चले, विधानमंडल के अंदर हमारे अभावों, मुसीबतों, कठिनाइयों पर चर्चा हो। ये देश की जनता, प्रदेश की जनता चाहती है। इसलिए मैं सदनों से आग्रह करना चाहता हूं कि हमें सभी दलों को बैठकर किस तरीके से हम एक व्यापक नीति कार्य योजना अपने अपने सदनों में बनाएं, ताकि इस सदनों के अंदर व्यापक चर्चा हो सके और बेहतर कानून बनाते समय ज़्यादा विधायिका की सक्रिय भागीदारी हो सके। और इसीलिए आज हम जब भारत के नवनिर्माण से के दौर से गुजर रहे हैं, देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और इस अमृत महोत्सव के अंदर देश की समस्त जनता की भागीदारी हो, इसके लिए संसदीय लोकतंत्र मजबूत होने की आवश्यकता है। विधानमंडलों और लोकतांत्रिक संस्थाओं को जितना अधिक मजबूत करेंगे और जितनी अच्छी सार्थक चर्चा होगी, उतनी हम जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे। इसलिए एक सार्थक चर्चा, संवाद का वातावरण बनाने के लिए हमें विचार विमर्श करना चाहिए। साथियों, हमारे देश में संसदीय व्यवस्था में बहुदलीय प्रणाली अपनाई गई है। देश के अंदर अलग अलग विचारधारा, अलग अलग विविधताओं के बाद भी हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से देश के जनता का सामूहिक रूप से कल्याण हो, इसके लिए इन सदनों में चर्चा करते हैं। मेरी कामना है कि हम देश और प्रदेश की समृद्धि और विकास के लिए सामूहिक भावना से काम करें, ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हम देश प्रदेश की जनता में शांति, समृद्धि, खुशहाली और विकास ला सकें। इसके लिए हमें सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को, चाहे पंचायत हो, चाहे नगरपालिका हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, इन सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को जितना अधिक सशक्त करेंगे, जितना अधिक मजबूत करेंगे, उतना ही हम देश की जनता के आर्थिक और सामाजिक जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आज हमारी यही चर्चा और संवाद नया परिणाम लाएगी, और हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि हम संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। हमारा संसदीय लोकतंत्र राजव्यवस्था का मूल तत्व है। उसके संरक्षण, पोषण और उसको मजबूत करने के लिए, संसदीय संस्थाओं को सबल बनाने के लिए हम स्वयं को समर्पित करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।